आइए और जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद एहसान और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। सर आप यहाँ आए हैं जंतर मंतर, आप किन मांगों को लेके आए हैं? देखिए हम जब जंतर मंतर पर आए हैं, हमारी मांग है, हम 17 वर्षों से विद्यालय में शिक्षण कार्य पठन पाठन का कार्य माहौल बनाए हुए हैं और हमने घर घर जाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है। अब हमको कहते हैं 17 वर्ष के बाद हमको एकदम से बेघर कर दिया गया है। एक चाय बनाने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है और मैं डबल एम में BTC के हुए मैं अध्यापक क्यों नहीं हो सकता हूँ? जब मैं 17 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा था, आज मैं एकदम से अयोग्य कैसे हो गया हूँ? जब मुझे सरकार कहती है 10,000 लेके आप शिक्षण कार्य कर लीजिए और जब मुझको पूरा वेतनमान देने की बात करते हैं तो अयोग्य की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब मैं 10,000 में योग्य हूँ तो मैं 40,000 में अयोग्य कैसे हो जाता हूँ? ये हमारे साथ एक राजनीति प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इस सरकार की मिलीभगत है। इसने हमारे अपने संकल्प पत्र में हमको शामिल किया था और आज हमारे साथ जब हमें हमारा हक देने का समय आया तो एकदम से अपने वादे से मुंह कर गई। ये वो दोगली सरकार है जो हमको कहती थी कि हमारा संकल्प पत्र ये बिल्कुल एक समान रहेगा और इसमें हमें हमारा हक दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने जब हमारा समय मांगने का समय आया, हमारा हक देने का समय आया तो इन लोगों ने हमको सड़कों पर उतार दिया है। ये हमारा ये गुंगी बहरी सरकार हमको कहते थे जब हम अखिलेश की सरकार थी गोरखपुर में, इन लोगों ने आके कहा था कि यदि सरकार ये सरकार संसद में कोई प्रस्ताव लेके जाएगी तो हमको उसको पास कराएंगे। हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपकी मीडिया के माध्यम से, जब इनकी सरकार यूपी में भी है और केंद्र में भी है, क्यों नहीं हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं? तो मेरा निवेदन है मोदी और योगी से, जब आप एक चाय बनाते हुए प्रधानमंत्री बन गए और हम सारी डिग्रियां और अपनी पूरी योग्यता पूरी करते हैं तो हम अध्यापक क्यों नहीं बन सकते हैं? आप हमारी समस्याओं को समय रहते चेताइए, वरना आने वाला 2019 और 22 आपको हम आने नहीं देंगे और आपको मिटा के रख देंगे।